हेलो दोस्तों, मैं सरल के चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही यहाँ आए होंगे कि हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड, जो कि 17 तारीख को है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पर। साथ में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए थे। पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, कुछ 2 मिनट के लिए पहले इन बातों को समझिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। देखिए, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, ये हुआ था 25 सितंबर 2016 को। ये हमारा पेपर ऑफलाइन था कुछ इस तरह से, और ये उत्तराखंड में करवाया गया था, यानी इसे बाहर से किसी और इंस्टीट्यूट ने नहीं करवाया था। जैसा कि अभी IBPS करवा रहा है यह एग्ज़ाम, तो इसमें पेपर का लेवल थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने देखे प्रीवियस ईयर वाले, तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन ही बैंक में पूछे जाते हैं कुछ बहुत रीजनिंग वाले पोर्शन में। साथ में मैथ्स के पोर्शन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से अगर IBPS करा रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि पेपर वो अपने लेवल का करवाएगा जैसे SBI का करवाता है। तो वो नॉर्मल लेवल को थोड़ा नीचे रखेगा, क्योंकि उसे 3 तरह के 4 तरह के एग्जाम्स करवाने हैं, जिसमें लोअर में क्लर्क है, फिर जूनियर ब्रांच मैनेजर है, सीनियर ब्रांच मैनेजर, और उसके ऊपर डिप्टी कुछ इस तरह का ऑफिसर है। तो काफ़ी बड़े लेवल तक पेपर कराना है। अगर आप क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं या जूनियर ब्रांच मैनेजर का देने जा रहे हैं, तो पेपर का लेवल थोड़ा नीचे रहेगा, बाकियों में थोड़ा ऊपर रहेगा। तो अगर आप लोअर के लिए जा रहे हैं, तो ये पेपर आप जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। आप लोगों को अगर सिलेबस जानना है इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ में मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है इन 10-12 दिनों में, जिससे आप लोगों का पेपर अच्छा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें एग्जाम देने नहीं जाएंगे। सेंटर बहुत दूर है और मेरिट इसकी कम रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और पेपर पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को ऑनलाइन के पेपर के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को सिलेबस और बाकी जो भी टिप्स चाहिए होंगी, अगर ये चीज़ें आपको जाननी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इसका पेपर होने वाला है, उसमें यहाँ पर 40-40 क्वेश्चंस किससे आने वाले हैं आपके, मैथ्स से 40-40 क्वेश्चंस, रीजनिंग से। यानी यहाँ पर आप अगर ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो आपका मेरिट में नाम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसा कि ये क्लर्क का पेपर था, इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आए थे, और उसमें से 50 क्वेश्चन मैथ्स के थे, प्योर मैथ्स और रीजनिंग के। बाकी बचे 50 क्वेश्चन में कुछ GS थी उत्तराखंड की, कुछ कंप्यूटर थी, कुछ हिंदी थी, कुछ इंग्लिश थी, ठीक है। तो मैं 50 क्वेश्चन तो इस वीडियो में करा नहीं पाऊंगा, तो मैं 5 या 10 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा इस वीडियो में, 10 क्वेश्चन लगभग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं अगले वीडियोज भी तेजी के साथ एक ही दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ही डाल दूंगा, ठीक है। तो हम अपना वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको देख के जाते हैं, तो हो सकता है कि IBPS जब पेपर कंडक्ट कर रहा होगा, तो वह क्या कर रहा होगा, पहले प्रीवियस पेपर देख रहा होगा कि यहाँ का प्रीवियस पेपर किस तरह से आया था, उसके अकॉर्डिंग वह कंडक्ट करेगा यहाँ पे एग्जाम का, पेपर का पैटर्न रखेगा। ऐसा नहीं कि उसने अपना पैटर्न रख दिया है और पेपर उसने अपने हिसाब से बना दिया, तो पेपर के बाद खाली प्रॉब्लम्स होंगी, ये वो नहीं चाहेगा, ठीक है। तो हम लोग अपने इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चन लगभग, और देखते हैं कि पेपर पिछली बार अच्छा आया हुआ था, इस बार थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ईजी रहे। मेरिट इस पर 85 मार्क्स से ऊपर गई थी, मेरिट 100 में से, तो ऐसा IBPS में कभी नहीं होता है। 200 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स से ऊपर मेरिट किसी भी हालत में नहीं जा सकती है, जैसा मुझे लगता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसी जाती है मेरिट, फिलहाल अभी क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का जो काफ़ी जगह आपको देखने को मिलता होगा बैंक के एग्जाम्स में, अगर आपने पहले भी दिए होंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, कह रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, कौन सा वार होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान रखिए, अगर हमारे पास लीप ईयर ना हो, लीप वर्ष ना हो कोई वर्ष, लीप वर्ष कैसे होगा, 4 से भाग देंगे इसमें, अगर पूरी तरह भाग चल जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं है, इसमें 4 से भाग नहीं जाता है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अगर लीप वर्ष ना हो, तो जैसे 2000 अभी चल रहा है, 2019, तो 2020 में आज के दिन क्या होगा, इस तरह का पूछे अगर आपसे। 2020 तो लीप वर्ष है, 4 से भाग चल जाता है, 4 × 5 = 20, 0, 4 × 5 = 20, 505 आता है, तो लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष ना हो, तो अगले साल जो बार होता है उस दिन, एक दिन आगे होता है। जैसे यहाँ पर ये रविवार है 1 जनवरी 2006 को, तो 1 जनवरी 2007 को एक दिन आगे होगा, सोमवार होगा, आप देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है, मंगलवार, मैंने मंगलवार बोला है, ध्यान रखिए। ये देखिए लीप वर्ष है, लेकिन मैंने क्यों मंगलवार बोला है, लीप वर्ष में क्या होता है, देखिए फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, बाकियों में फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो यहाँ तो फरवरी आया नहीं है ना, अभी तो जनवरी तक की बात हुई है। यानी इसके बाद जब हम 1 जनवरी 2009 में जाएंगे,
तो बीच में ये लीप वर्ष वाला जो फरवरी था वो इसके बीच में आ चुका है, फरवरी वाला मंथ। तो यहाँ पर एक दिन और ज्यादा होगा, यानी मंगल क्या बुध ना होकर बृहस्पति होगा, क्योंकि एक दिन बढ़ चुका है तो बृहस्पति बार होगा यहाँ पर, बाकी नॉर्मल में एक ही होगा। इसके बाद 2000 क्या 2010, ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो एक दिन आगे यानी शुक्रवार, यानी इसका आंसर शुक्रवार हो जाएगा। इसमें हमें ऑप्शन में दिए थे रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, तो हमारा आंसर शुक्रवार सही हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बैंक एग्जाम में, आप देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सेकंड में बोल रहा है ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए जो है वो एक कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। साथ में बी जो है उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी जो है वो 20 दिन में करता है इस काम को। दोनों साथ में 4 दिन तक काम करते हैं कह रहा है, ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करेंगे, फिर जो बचा हुआ काम है वो कितना बचेगा कह रहा है, यानी शेष काम बताइए कह रहा है, शेष काम। तो हम देखेंगे कि कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, ए एक दिन में, ए 15 दिन में एक पूरा काम कर ले रहा है, तो एक दिन में 1/15 काम करेगा, तभी 15 दिन में 1/15, 1/15 करेंगे तो लास्ट में एक काम आएगा, पूरा काम आ जाएगा। ऐसे ही ये 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। ये एक दिन में ये लोग टोटल कितना काम कर रहे होंगे, फिर 1/15 धन 1/20, एक दिन में इतना काम कर रहे होंगे ये, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा, साथ में करेंगे तो 4 दिन तक करेंगे तो 4 से गुणा कर लेंगे, यही तो आएगा। तो इसके बाद ये तो आ गया 4 दिन तक काम कितना किया उनने, बचा हुआ काम कितना बचेगा, शेष काम। टोटल काम तो एक ही होगा ना पूरा, एक में से इस पूरे को घटा देंगे तो बचा हुआ काम अपने आप ही आ जाएगा, इस तरह से समझ में आया आप लोगों को। दोनों का एक दिन का काम जोड़ा, 4 से गुणा किया, 4 दिन का काम आया, फिर टोटल काम एक था उसमें से इसको घटा दिया तो जो बचेगा वो बचा हुआ काम आएगा। हल करना आपको आता होगा, बहुत सरल है, 60 ही आएगा यहाँ एलसीएम, लॉस हुआ 15 चक्को 20 तिया, 7/60, 60 को काटेंगे तो 15, तो 7/15 1 - 7/15, फिर से लॉस हो लेंगे तो 15 - 7 8/15, इतना काम उसका बचा होगा। ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर डी 8/15। बहुत सरल प्रश्न आए हैं, इतना टफ प्रश्न नहीं है बैंक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन बैंक एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और क्लर्क का एग्जाम है तो क्लर्क में तो मुझे लगता है कि इसी तरह के पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। पेपर होने के शाम को आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। फिलहाल अभी इनको करिए, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा एक टैंक को 3 गुना तेजी से भर सकता है। मान लेते हैं पहला पाइप एक्स घंटे में भर रहा है, तो दूसरा पाइप तो 3x घंटे में भर रहा होगा ना, ये इस तरह से होगा, 3 गुना तेजी से भर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ टैंक को 36 मिनट में भरें तो धीमा पाइप कितने टाइम में भरेगा कह रहे हैं। धीमा पाइप कौन सा है, ये वाला है ना धीमा पाइप, धीमा पाइप ये है या ये है, गलत, ये तेज भर रहा है, ये धीमा। मान लीजिए एक्स 5 आ जाए तो ये 15 आएगा, 5 मिनट में भर रहा है वो 15 मिनट में, 15 वाला धीमा होगा ना, ध्यान रखना। इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इसने, ऑप्शन में ये भी दिया होगा एक्स वाले का जो आंसर आएगा। कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ 36 मिनट तक खोलते हैं, अब मुझे बताइए एक्स मिनट में पूरा भर ले रहा है तो 1 मिनट में 1/x भरेगा, ये 1 मिनट में 1/3x भरेगा। सेम तरह से कर रहे हैं क्वेश्चन को, दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे, फिर साथ में अगर खोलेंगे तो दोनों इतना भरेंगे ना, 36 मिनट तक साथ भरोगे तो ऐसे ही तो आएगा, 36 से गुणा कर लेंगे। निकालना क्या है हमें, कौन सा धीमे भर रहा है, 36 मिनट में पूरा भर देते हैं कह रहा है इसको, ठीक है पूरा भर देते हैं, यह इसने बोला है, हाँ 36 मिनट में पूरा भर देते हैं, यानी इससे जब 36 से गुणा करोगे तो पूरा एक पाइप, एक पूरा टैंक भर जाएगा, तो बराबर में 1 आएगा। हल करते हैं, 3x एलसीएम लेंगे तो 3 धन 1 बराबर 1, तो यह आएगा 36 4/3x बराबर 1, 3 से काटेंगे तो 12 है, 12 चक्को 48, यानी 48 क्या हो रहा है, हाँ 12 चक्को 48, और एक्स यहाँ भेज देंगे बराबर एक्स, एक्स बराबर 48 आ गया, यानी यहाँ पर एक्स जो था ये 48 मिनट में भर रहा होगा, और ये कितने मिनट में भर रहा होगा, 3 गुणा 48 करेंगे तो 3 8 24, 3 चक्को 12 2 14, 144 मिनट में, कौन धीमा है, ये धीमा है ना, ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो आंसर 144 मिनट होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 144 मिनट्स, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसने बहुत सरल दिए थे, 81 108 144 192, यानी ये नहीं दिया था, अगर ये 48 दे दे और आप जल्दीबाजी में सोच लें कि ये तो एक ही बार है, ये 3 बार है, तो ये ज़्यादा होगा ये धीमा होगा, तो वहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा पूरा हल करने के बाद। इसलिए एग्जाम देते समय कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को, पांचवें प्रश्न की ओर। हाँ चौथे प्रश्न की ओर, 3 हुए हैं, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। देखिए कुछ संख्याएं दी हैं हमें, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 582 605 588 611
634, 617 और 600, 617, 600। ये दिया है, हाँ इतना दिया। कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या गलत है क्रम में, जो रीजनिंग में कौन सा गलत है इसमें से। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये पांच पांच वाले एक साथ दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं यही है क्या। हाँ ठीक है, यानी ये और ये छह छह वाले एक साथ दिख रहे हैं इस तरह से कुछ। देखिए 582 में छह जोड़ा होगा तब 88 आया होगा, 588 में छह जोड़ते तो क्या आता, 594 आता। इसने 634 लिखा है, 594 में छह जोड़ते तो 600 आता, सही बन रहा है। ऐसे देखिए 605 में छह जोड़ते 11 आता, इसमें छह जोड़ते 17 आता, बाकी सब काम कर रहे हैं, ये वाला गलती कर रहा है, इसलिए हमारा 634 ऑप्शन में दिया है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, उस पर टिक कर देंगे। बहुत सरल है, बस आपको समझना होगा। अगले पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कह रहा है कि वह एक संख्या को 17 बढ़ाने पर वह अपने व्युत्क्रम का 60 ही गुना हो जाती है, संख्या बताओ। संख्या एक्स मानते हैं, उसको 17 बढ़ाते हैं जब, तो वह अपने व्युत्क्रम का 60 ही गुना हो जाती है। व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा एक बट्टा एक्स, इसका 60 ही गुना हो जाती है, यानी ये 60 ही गुना करने पर जितना आएगा उतना ही 17 जोड़ने पर भी आएगा, इसलिए ऐसे किया है। ठीक है, उसके बाद चार ऑप्शन दिए हैं कि एक्स का मान बताइए। मैं चाहूँ तो इसको हल कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ गुणा में भेज कर बहुपद बनाकर कर सकता हूँ, लेकिन वो टफ हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन पड़े हैं तो हम लोग क्यों इतना कठिन काम करें। ऑप्शन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पेपर कैसे हैंडल करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा है, पेपर में आपको इस तरह से हल करने हैं अगर ऐसे प्रश्न आते हैं। एक्स का मान रखिए 3 रख के देखिए, 3 रखेंगे तो 3 × 17 20 आएगा, 3 रखेंगे 3 से इसको काटेंगे 20 आएगा, 20 बराबर 20 आ जाएगा। आ रहा है नहीं, देखिए 3 × 17 बराबर 1/3 × 60 20, तो 17 × 3 = 20 बराबर 20, यानी ये संख्या सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। आप लोग इसको हल करेंगे लंबा लंबा करते करते बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, वहाँ टाइम की बहुत कमी है। 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, उसमें से 80 मैथ्स के हैं, अगर 80 क्वेश्चन में 80 मिनट लगा देंगे तो बचे हुए 40 ही क्वेश्चन बचेंगे आपके पास, वो भी जब 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप बताना कि वीडियो में सिलेबस और स्ट्रेटेजी किस तरह से कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, सारी चीज़ें पूरी तरह से बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें जाननी है। साथ में वीडियो में 5 ही क्वेश्चन इसलिए ऐड करवा रहा हूँ, बोला 10 था लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, साथ में आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं पूरा, मुझे पता है काफ़ी कम लोग देखेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वीडियो नहीं देखें और मैं खाली भी मेहनत करूँ। तो ये क्वेश्चन आगे के और एग्जाम्स में भी हेल्प देंगे, ऐसा नहीं है कि सीधे सिर्फ और सिर्फ इसी आईपीएस के जो करा रहा है कोऑपरेटिव बैंक, इसी में हेल्प देंगे, बहुत जगह हेल्प मिलेगी इससे आपको। उत्तराखंड में कभी भी ऐसा कोई एग्जाम होता है जैसे मैथ्स आती है तो क्वेश्चन पक्का देखना आप, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे, साथ में बैंक एग्जाम में तो होते ही होते हैं काफ़ी बार। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और साथ में बताइए कि सिलेबस आपको बताना है या नहीं, साथ में कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होगी, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और पेपर अटैम्प्ट करते समय आप लोगों को कितने क्वेश्चन किस पार्ट से करने हैं अटैम्प्ट, ताकि आपका सिलेक्शन होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।